गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सभी? चलो, तो आज हम बात करते हैं हमारे वीडियो नंबर 17, यानी कि वीडियो नंबर 17 के। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले की जो हमारी वीडियो हुई थी, उस वीडियो में मैंने आपको निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि दोनों को निकालना सिखाया है ना, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर आपने वीडियो को ढंग से देखा है तो आपको जरूर समझ में आया होगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा आपेक्षिक त्रुटि के बारे में, और आपेक्षिक त्रुटि के साथ साथ हम पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। पहले किसको पढ़ेंगे? आपेक्षिक त्रुटि को, और आपेक्षिक त्रुटि के बाद हम पढ़ेंगे बेटा किसको पढ़ेंगे हम निरपेक्ष त्रुटि को, सॉरी प्रस्थ त्रुटि को। तो चलिए पढ़ाना हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा आपेक्षिक त्रुटि के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सा है, और जनरली इन सभी के जो मैं सूत्र लिखूंगा ना, इन सभी के सूत्र आपको तब समझ में आएंगे जब आप इनसे अनपर, या जब आप इन फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को क्या करोगे बेटा, हल करोगे, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र बनता है बेटा आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान, या आप उसको कह सकते हो माध्यमान। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि को हम आपेक्षिक त्रुटि ही लिखते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे ज्ञात की जाती है, उसको हम व्यक्त करेंगे बेटा डेल्टा ए एम से, और माध्यमान को हम व्यक्त करेंगे बेटा ए एम से। तो यह आपके सामने लिखा पड़ा है आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या बन रहा है बेटा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान, या उसको आप माध्यमान कह लीजिएगा, बात एक ही है। जितने भी व्यक्तिगत मान होते हैं उन सभी व्यक्तिगत मानों का जो औसत होता है या माध्यमान जो होता है वही वास्तविक मान होता है। तो आपेक्षिक त्रुटि को हम आपेक्षिक त्रुटि ही लिखते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या बन जाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि डेल्टा ए एम बटे में वास्तविक मान। तो वास्तविक मान को आपने किससे व्यक्त कर दिया? ए एम से। तो अगर कोई भी आपको न्यूमेरिकल दिया हो, अभी मैं जस्ट अभी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगी। तो आपेक्षिक त्रुटि का फंक्शन बन गया ये। ठीक है, अब हम एक और हमारे पास बच रहा है, और वो टॉपिक है हमारे पास प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, इसकी परिभाषा पता है क्या बनती है? ये जो आपने आपेक्षिक त्रुटि निकाली है ना, इस आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में लिख दो। तो परिभाषा बनती है आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में लिखना, या आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत रूप ही क्या कहलाता है बेटा? प्रतिशत त्रुटि। तो आप लिखोगे परिभाषा, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत रूप प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो बेटा आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत रूप ही क्या कहलाएगा? प्रतिशत त्रुटि कहलाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दो इधर,
प्रतिशत त्रुटि बराबर किसका प्रतिशत रूप लिख रहे हो आप? आपेक्षिक त्रुटि का। आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र आपने पढ़ा ही है क्या? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, बटे में माध्यमान या वास्तविक मान, एक ही बात है, कुछ भी लिख लीजिएगा। तो बेटा आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत रूप, तो ये तो हो गया आपेक्षिक त्रुटि। इसका प्रतिशत रूप लिखने के लिए आप इसमें कितने से गुणा करा दोगे? 100% से। तो ये कौन सी त्रुटि का सूत्र बन गया बेटा? प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बना कि नहीं बना? अब इसको डिजिट टाइप में कैसे लिखोगे? देखो प्रतिशत त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि ही लिखते हैं, जनरली इसको व्यक्त नहीं करते किसी से। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए एम बटे में माध्यमान ए एम इंटू 100%। तो ये बन गया बेटा प्रतिशत त्रुटि का सूत्र। तो मैंने आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हैं, पहला लिखा है आपेक्षिक त्रुटि का, दूसरा फॉर्मूला लिखा है बेटा मैंने प्रतिशत त्रुटि का। दोनों के दोनों आपके सामने हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इन पर आधारित आगे की ओर न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ तो बच्चों आपने फॉर्मूले देख लिए हैं, अब इसी के साथ साथ आपने अगर पिछली दोनों वीडियो देखी हैं तो उसमें मैंने आपको निरपेक्ष त्रुटि और माध्य निरपेक्ष त्रुटि दोनों निकालना सिखाया है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल हल करना सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ढंग से ध्यान देंगे। अब न्यूमेरिकल क्लियर होते ही आपको त्रुटियों का जो ये बखेड़ा चल रहा है ये समझ में आ जाएगा। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.32, 1.33, 1.42, 1.66, 1.39 हैं। तो किसी जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.32, 1.43, 1.42, 1.66, 1.39 है, तो इस जल की निरपेक्ष त्रुटि कॉमा माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा बेटा। और न्यूमेरिकल आपको क्या दे रखा है कि आपको कोई जल दे रखा है, उस जल के अपवर्तनांक आपको क्रम से 1.44, 1.32, 1.33, 1.42, 1.66, 1.39 है। तो इस जल की निरपेक्ष त्रुटि पूछी है पहले तो उसने, दूसरा उसने माध्य निरपेक्ष त्रुटि पूछी है, एवं उसके बाद उसने क्या पूछे बेटा? आपेक्षिक त्रुटि पूछी है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको पेपर में 2 नंबर के मिलेंगे। अब देखो मैं इस न्यूमेरिकल को हल कैसे करूँगा। मैं दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ, अगर आपने मेरी इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो आप त्रुटि से संबंधित किसी भी न्यूमेरिकल में कभी रुकेंगे नहीं, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो। तो ध्यान दीजिए, हल करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो बेटा सबसे पहले उसने क्या पूछी है? निरपेक्ष त्रुटि। ध्यान दो, निरपेक्ष त्रुटि को हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है भौतिक राशि का व्यक्तिगत मान, माइनस वास्तविक मान, माइनस वास्तविक मान।
और वास्तविक मान औसत मान या माध्य मान के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं, व्यक्तिगत मान को ए से व्यक्त करते हैं, और वास्तविक मान माध्य मान होता है इसलिए उसको ए एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आपको यहां पर जल के क्या दे रखे हैं, अपवर्तनांक। तो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में भी अपवर्तनांक के बारे में समझाया था, जो अपवर्तनांक होता है बेटा उसको म्यू से व्यक्त करते हैं। और म्यू कैसे बनता है, जैसे ये यू बन गया, एक टांग को पकड़ कर खींच दो, दूसरी टांग को पकड़ कर खींच दो, ये जो आपको साइन मार्क नजर आ रहा है ये म्यू का नजर आ रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, उसने आपको जो मान दे रखे हैं उन मानों को लिखिए एक बार। उसने आपको दे रखा है बेटा पहला अपवर्तनांक यानी कि म्यू वन का मान कितना दे रखा है, 1.44। म्यू टू का मान कितना दे रखा है उसने आपको, 1.32। म्यू थ्री आपको दे रखा है उसने, 1.33। म्यू फोर का मान उसने आपको कितना दे रखा है, 1.42। म्यू फाइव 1.66, और म्यू सिक्स कितना दे रखा है बेटा उसने आपको, 1.39। ठीक है, तो हमें अब धीरे धीरे इनकी सभी मानों की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए आपको वास्तविक मान निकालना है, तो वास्तविक मान को अब यहां पर किससे व्यक्त करोगे, म्यू एम से। अब देखो आप एक चीज सोचोगे, सर आपने यहां पे तो ए एम से व्यक्त कर रखा है, आप यहां पर माध्यमान या वास्तविक मान को म्यू एम से व्यक्त कर रहे हो। बेटा मैं म्यू एम से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भी मेरे को वैल्यू दे रखी है वो अपवर्तनांक की दे रखी है, और अपवर्तनांक को म्यू से व्यक्त करते हैं, इसलिए अपवर्तनांक का जो माध्य बनेगा या औसत जो बनेगा उसे हम म्यू एम से तो व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो म्यू एम बराबर में औसत जितनी भी संख्याएं हैं सभी का योग बटे में सभी की संख्या, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर प्लस म्यू फाइव प्लस म्यू सिक्स, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो म्यू एम बराबर में सभी को जोड़ो, म्यू वन का मान 1.44 प्लस म्यू टू 1.32 प्लस 1.33 प्लस 1.42 प्लस 1.66 प्लस 1.39 डिवाइड बाय 6, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं एक बार, आ जाइए यहीं जोड़ लेते हैं इनको, क्या बनेगी वैल्यू, म्यू एम बराबर, जोड़ बाकी में तो आप एक्सपर्ट हो। तो देखो 4 और 2 6 6 और 3 9 और 2 11 11 और 6 17 17 और 17 और 10 होते हैं 27, लेकिन यहाँ पे 9 है तो कितने हो जाएंगे 26, 6 हासिल 2। तो 4 और 2 6 3 9 3 12 4 16 16 और 6 22 22 और 3 25, 5 2 हासिल कितनी आ रही है 2, तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8, तो बेटा ये आ जाएगा 8.56 डिवाइड बाई 6, याद आया ना। अब आपको चाहिए म्यू एम, तो म्यू एम कैसे निकालोगे, 8.56 में आप 6 का भाग दोगे तो आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा 8.56 डिवाइड बाई 6। तो देखो बेटा 6 कम 6 कितने बच रहे हैं 2, 25, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 18, तो 25 में 6 3 18 6 4 24 चार बार गया 24, एक बच रहा है कितने हो गए 16, 6 दूनी 12, तो 16 में से 12 गए तो 4 और 6 गुना 36, तो दो संख्या छोड़ गए तो 14.26 आ रहा है। और एक बार हम कैलकुलेटर की सहायता से और क्लियर कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 8.56 डिवाइड बाई 6, तो 1.42 बिल्कुल सही आया, हमारा एग्जिट आंसर आया है एग्जैक्ट 1.42, वास्तविक मान आ गया हमारे पास 1.42। क्लियर, तो देखो बेटा हमने वास्तविक मान ज्ञात कर लिया है, अब हम एक एक मान में त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, नंबर एक प्रथम निरपेक्ष त्रुटि, प्रथम निरपेक्ष त्रुटि यानी कि
पहले मान में कितनी निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो रही है, तो सूत्र यह है ना बेटा। तो देखो मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा ए की जगह पर अपवर्तनांक है तो म्यू वन बराबर में म्यू वन माइनस के म्यू एम। तो प्रथम मान की निरपेक्ष त्रुटि निकालूंगा। देखो बेटा म्यू वन कितना दे रखा है आपको, 1.44 दे रखा है, 1.44 माइनस म्यू एम, म्यू एम आपने कितना निकाला है 1.42। अरे बात समझ में, पहले मान के आप निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे तो सूत्र यह बन गया इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है ना। तो डेल्टा म्यू वन इज इक्वल टू में म्यू वन माइनस म्यू एम। तो डेल्टा म्यू वन तो मेरे को ज्ञात करना ही है, म्यू वन आपको कितना दे रखा है देखो ये लिख रहा 1.44 माइनस म्यू एम, म्यू एम आपने यहाँ निकाला है तो माइनस 1.42, ठीक है। ऐसे ही दूसरी त्रुटि निकालोगे, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी में डायरेक्टली लिख देंगे आप, डेल्टा म्यू टू बराबर में म्यू टू माइनस म्यू एम, ठीक है। तो देखिएगा डेल्टा म्यू टू इज इक्वल टू में म्यू टू का मान कितना दे रखा है, म्यू टू ये रहा 1.32 माइनस माध्यमान 1.42, क्लियर। ऐसे ही डेल्टा म्यू थ्री, अब सूत्र तो यही बनेगा, चलो मैं लिख देता हूं जिससे आपको सुविधा रहेगी। तो डेल्टा म्यू थ्री इज इक्वल टू में म्यू थ्री का मान कितना दे रखा है बेटा 1.33 माइनस 1.42, क्योंकि म्यू एम का मान सभी 1.42 है। डेल्टा म्यू फोर इज कस्टम फंक्शन बनेगा म्यू फोर माइनस म्यू एम। तो डेल्टा म्यू फोर इज कस्टम में म्यू फोर का मान कितना दे रखा है 1.42 माइनस म्यू एम 1.42, क्लियर आ गया। म्यू फाइव, तो डेल्टा म्यू फाइव बराबर सूत्र बनेगा म्यू फाइव माइनस के म्यू एम, क्लियर। तो डेल्टा म्यू फाइव इज इक्वल टू म्यू फाइव का मान कितना दे रखा है 1.66 माइनस 1.42, क्लियर। अब डेल्टा म्यू सिक्स यहां निकाल रहा हूं, तो म्यू सिक्स इज इक्वल टू में म्यू सिक्स माइनस के म्यू एम। तो डेल्टा म्यू सिक्स इज इक्वल टू में म्यू सिक्स का मान कितना दे रखा है बेटा 1.39 माइनस 1.42। अब हम बारीकी बारीकी से सभी की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, ठीक है। बराबर 1.44 माइनस 1.42, चार में से दो गए तो दो, जीरो, एक में से गया जीरो, तो 0.02 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.02 ये आ गया डेल्टा म्यू वन। तो प्रथम जल के अपवर्तनांक की निरपेक्ष त्रुटि कितनी निकल कर आ रही है बेटा 0.02, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे पर, दूसरे को निकालेंगे 1.32 माइनस 1.42, तो देखो माइनस का अधिक है तो 1.42, दो में से दो गया जीरो, चार में से तीन गया एक, तो अभी यहाँ पे कितना बचा, एक में से गया जीरो, तो माइनस के बचेंगे कि नहीं बचेंगे भैया, माइनस के 0.10 माइनस के 0. और एक काम करो, माइनस को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था निरपेक्ष त्रुटि हमेशा धनात्मक प्राप्त होती है, इसको मोड से व्यक्त करेंगे हम, तो बेटा ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको माइनस सॉरी प्लस, अब मोड लगा दिया ना तो प्लस हो जाएगा 0.10, ठीक है। अब आ जाइए इधर, तो देखो बेटा यहां पर भी ये बड़ा है तो मोड हमने ले रखा है, तो आप कैसे घटाओगे, देखो 1.42 माइनस 1.33 बारह में से तीन गए 9, 0.09 इधर आ जाओ 1.42 में से 0, ठीक है। इधर 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 1 में से क्या 0, तो 0.24, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या बच रहा है, ये माइनस का बड़ा है ना, तो 1.42 1.39 12 में से 1.39 शायद हमने सेम यहाँ पे निकाल लिया है, तो आप देखेंगे 12 में से 9 गए तो कितने बच रहे हैं बेटा 3 और ये 4, तो 0.03, ठीक है 0.03। तो बेटा ये हमने सभी मानों की निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली है, तो आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप आसानी से अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। तो हमने पहला मान निरपेक्ष त्रुटि तो ज्ञात कर ही लिया है,
अब अगला मान हम ज्ञात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो बेटा माध्य निरपेक्ष त्रुटि से पहले मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का जो औसत होता है वह औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे एग्जामिनर को जिससे पता चले, नंबर दो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे अब यहां पर, डेल्टा म्यू एम से। तो डेल्टा म्यू एम यहां लिख देता हूं, डेल्टा म्यू एम जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनके सभी परिमाणों के औसत के बराबर होगा। तो डेल्टा म्यू एम बराबर मैं लिख दूंगा मोड ऑफ डेल्टा म्यू वन प्लस मोड ऑफ डेल्टा म्यू टू प्लस मोड ऑफ डेल्टा म्यू थ्री प्लस मोड ऑफ डेल्टा म्यू फोर प्लस मोड ऑफ डेल्टा म्यू फाइव प्लस मोड ऑफ डेल्टा म्यू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स। ये हो गया बेटा। तो जितनी भी निरपेक्ष त्रुटि आपने प्राप्त की उन सभी के परिमाणों का, तो ये मोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उन सभी के परिमाणों का औसत यानी कि राशियों के योग बटे राशियों की संख्या हमने निकाली। अब मान रख देते हैं, तो देखो बेटा डेल्टा म्यू एम बराबर में मोड ऑफ डेल्टा म्यू वन 0.02 प्लस म्यू टू, कितना आ रहा मोड ऑफ डेल्टा म्यू टू 0.10, ठीक है, प्लस 0.09 म्यू फोर 0 प्लस 0.24, ये हो गया बेटा 0.24 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू हो गई। अब एक काम करते हैं इन सभी को हम जोड़ लेते हैं फिर 6 का भाग दे देंगे। तो देखो 0.02 0.10 0.09 0 को छोड़ दो 0.20 और 0.03 जोड़िए बेटा 9 और 2 11 11 और 4 15 देखो 9 और 2 11 और 4 15 और 3 18 एक हासिल 1 2 4 और ये तो 0 है तो 0.48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डेल्टा म्यू एम 0.48 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। तो देखिए एक बार एक्यूरेसी निकाल लेते हैं 0.48 डिवाइड बाई 6 0.08। तो आपकी बेटा माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई है 0.08। तो हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी निकाल ली है। अब लास्ट कौन सी बच रही है, आपेक्षिक त्रुटि। तो एक काम कीजिएगा आप, मैं थोड़ा सा मेरा बोर्ड भर चुका है इसका, मैं थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा साफ करूंगा आगे फटाफट से। तो देखिए बेटा आपने, उम्मीद करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालनी है आपेक्षिक त्रुटि। तो देखो बेटा आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, आपेक्षिक त्रुटि बराबर में माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान या माध्यमान, एक ही बात है कुछ भी लिख लीजिएगा, वास्तविक मान या माध्यमान, यानी कहने का मतलब डेल्टा म्यू एम जस्ट अभी आपने निकाली है बटे में माध्यमान म्यू एम। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा म्यू एम कितना आ रहा है बेटा आपके पास 0.08
0.08 बटे में वास्तविक मान कितना आ रहा है 1.42 आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसमें भाग दे दीजिएगा आप तो लगभग आपको प्राप्त होगा 0.057 के आसपास। तो ये आपकी हो गई बेटा आपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए मैंने आपको पिछली तीन वीडियो से यानी कि पिछली दो वीडियो से कंटिन्यू त्रुटि के बारे में पढ़ाता आ रहा हूँ। तो मैंने आपको पढ़ाई थी, देखो बेटा सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, आपेक्षिक त्रुटि, तो आज ही मैंने आपको सूत्र बताया कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक इन्हीं सभी पर बेसिस मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, उस न्यूमेरिकल को मैंने आपके सामने हल करके बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपने अगर इस वीडियो को ढंग से देखा है तो इस टाइप से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो आप आसानी से उसको हल करके उसकी निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको करने के लिए एक न्यूमेरिकल जरूर दूंगा, आप उसके आंसर्स निकालकर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।